हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ गेहूं की एक ढेरी ब्यास 10.5 मीटर। ब्यास कितना गिवन है बच्चों, 10.5 मीटर है और ऊंचाई गिवन है 3 मीटर वाले शंकु का आकार अंडरलाइन करके किस आकार का बच्चों, कौन का आकार का है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना बच्चों, आयतन निकालना है। और इसके आगे लिखा हुआ इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दो पार्ट निकालना है, पहले पार्ट में क्या निकालना, आयतन निकालना, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन, उसके बाद निकालेंगे क्षेत्रफल। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे। तो इसमें ब्यास जो गिवन है बच्चों कितना है, 10.5 है। ब्यास जो गिवन है वो 10.5 मीटर है। तो ध्यान कर रखना, जो त्रिज्या होता है ब्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है बच्चों, ब्यास का आधा होता है। तो लिखेंगे ब्यास अपॉन 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5 अपॉन 2। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे कटिंग करेंगे, 5 से करेंगे तो हो जाएगा जो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 20। तो जो त्रिज्या हो जाएगा 21 अपॉन 4 हो जाएगा। और ऊँचाई जो गिवन है, एच जो गिवन है वो 3 मीटर है। अब पूछा क्या बच्चों, आयतन पूछा हुआ, कौन सा आकार है, शंकु का है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3, क्या होता है, 1/3 πr² h। तो हो जाएगा 1/3 π के मान 22/7 और रेडियस गिवन बच्चों 21/4, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21/4 और 21/4 और h गिवन है 3, तो यहाँ यूज करेंगे 3। अब सिंपली क्या करना, कटिंग करना है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा बच्चों 3 नंबर पे, 2 से कटेंगे तो 11 नंबर पे कट जाएगा, यहाँ 2 से कटिंग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 नंबर पे कट जाएगा। तो क्या क्या बच गया ऊपर में, 11 बच गया × 3 × 20, और नीचे बच गया बच्चों 2 × 4 = 8। तो 11 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 693/8, और जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 86.625, और आयतन तो क्या मीटर क्यूब हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आयतन पूछा हुआ था उसका आंसर होगा बच्चों 86.625। अब पूछा हुआ बच्चों कैनवास का क्षेत्रफल, तो उसमें लगेगा वक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें फॉर्मूला होता है πr(l), तो l क्या है, पहले मिसिंग है, तो l को पहले फाइंड करेंगे उसके बाद निकालेंगे क्षेत्रफल। तो l का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, l का जो फॉर्मूला होता है √r² + h²। हम लोग निकाले बच्चों 21/4, दिखा देते हैं, R का जो रिजल्ट है बच्चों 21/4 है और H कितना है 3 मीटर। इन दोनों रिजल्ट को क्या करना है, उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/4² और H कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 21 का दोनों स्क्वायर करेंगे बच्चों, 21 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 21 का स्क्वायर ध्यान रखना 4, 4 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो एलसीएम का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 16 4 4 1 और उसके बाद 9 × क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 के टेबल में 16 कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे, और 16 के टेबल में 1 नंबर पे आएगा। अब सिंपली क्या करना है, 4 4 1 और 16 को 9 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने का जो रिजल्ट आएगा 585 है, क्या होगा बच्चों 585/16 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो रूट दोनों में अप्लाई करेंगे तो रूट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ऊपर में 585 और 16 का हो जाएगा यहाँ पे 16, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा जो 24.1 और इसका निकालेंगे तो 4। इसका जो रिजल्ट है बच्चों अप्रॉक्स रिजल्ट है, क्या है, अप्रॉक्स रिजल्ट है। तो एल का जो रिजल्ट आ गया बच्चों यहाँ पे 24.1/4। अब निकालेंगे बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों πr(l) होता है, क्या होता है, πr(l)
पाई का मान रखना 22 बटा 7 और रेडियस हम लोग निकाले हो चो बटा 4 और एल निकाले हैं 24.1 अपॉन 4। 7 से 21 कट जाएगा 3 नंबर पे, फिर 2-2 से कटिंग करना है 11 नंबर पे, 2 से कटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब सिंपली क्या क्या बच गया ऊपर बच्चों, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 241 और नीचे बच गया जो 24 जा 8 मल्टीप्लाई 10। अब 11 को 3 से करेंगे तो 33 अपॉन मल्टीप्लाई 241 और 8 इंटू 10 हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपली डिवाइड करना है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आएगा 7953 और 8 इंटू 10 हो जाएगा। जब बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 994.1 अपॉन 10। तो इस 10 में कितना जीरो बच्चों, एक जीरो, तो एक नंबर पॉइंट इधर लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो 99.41 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और किस में दे रखा है बच्चों, मीटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका सेकेंड पार्ट जो क्षेत्रफल पूछा हुआ था उसका आंसर होगा बच्चों 99.41 मीटर स्क्वायर। अगर होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू।